शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और रिंग्स ऑफ पावर की स्टोरी को लेकर मेजर स्पॉइलर्स आ सकते हैं, सो स्पॉइलर्स अलर्ट। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि ऑर्क्स एरंडिल को पकड़कर अपने कैंप ले गए। ऑर्क्स साउथलैंड्स में अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। बाकी कैदियों की तरह ही ऑर्क्स ने एरंडिल के पैर में भी जंजीर बांध दी। जल्दी एरंडिल की समझ आया कि ऑर्क्स ने इधर ह्यूमंस के साथ साथ एल्व्स को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसमें एरंडिल के साथी भी शामिल थे, इंक्लूडिंग रेवियन। ऑर्क्स की स्किन सूरज की रोशनी को नहीं झेल पाती, तो डायरेक्ट सनलाइट से बचने ऑर्क्स ने यहाँ टेम्पररी छत बना के रखी थी, इसीलिए अजीब से मास्क और हुडेड कपड़े भी पहनते हैं। आगे चल के सौरन ने उरुखाई को बनाया, जो सूरज की रोशनी में भी बिना किसी प्रॉब्लम जिंदा रह पाते थे, लेकिन वो सब अभी मायने नहीं रखता। ग्लाडियल के होश में आते ही हालब्रांड ने उसे खाना ऑफर किया। ऊपर डेक पर जाते ही ग्लाडियल समझ गई कि ये शिप न्यूमेनोरियंस की है। शिप के कैप्टन एलेंडिन ने ग्लाडियल से उसका ब्लेड छीन लिया था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोर में ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एल्फ को ह्यूमन के साथ समंदर में भटकता देख एलेंडिल भी थोड़ा हैरान था। ग्लाडियल के पास एलेंडिल के लिए काफी सवाल थे। अनफॉर्चुनेटली इन सवालों के जवाब देने का हक एलेंडिल के पास नहीं था। ये ग्लाडियल को अपनी रानी से मिलवाने ले जाएगा, वहां उसे सारे जवाब मिल जाएंगे। हालब्रांड न्यूमेनोर के निहायत ही खूबसूरत किंगडम को देखकर हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेन ऐसे भी किंगडम बना सकते हैं। ग्लाडियल ने हालब्रांड को बताया कि ये मेन साउथलैंड्स के मेन से काफी अलग हैं। हालब्रांड के पूर्वजों ने लड़ाई में मॉर्गोथ का साथ दिया था। न्यूमेनोरियंस उस लड़ाई में एल्व्स के साथ थे। उसी मदद के बदले यहाँ के ह्यूमंस को यह स्पेशल आइलैंड गिफ्ट में मिला था। बरसों तक न्यूमेनोरियंस और एल्व्स एक दूसरे के दोस्त बनकर रह रहे थे, बट धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी दोनों के ईगो क्लैशेस की वजह से। इसीलिए न्यूमेनोर पर एक एल्फ को देखकर यहाँ के ह्यूमंस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। बाय द वे, न्यूमेनोरियंस की उम्र भी बाकी ह्यूमंस के मुकाबले काफी स्लो बढ़ती है। एलेंडिल इन दोनों को सिटी टूर देते हुए क्वीन से मिलवाने ले गया। रास्ते में हालब्रांड कुछ लोहारों को देखकर थोड़ी देर रुक गया था। हालब्रांड का इन आयन स्मिथ के साथ कनेक्शन कहीं इसके सौरन होने की निशानी तो नहीं? एलेंडिल इन दोनों को लेकर क्वीन के दरबार में पहुंच गया। क्वीन मिरियल भी एक एल्फ को अपने किंगडम में देखकर जरा भी खुश नहीं थी। वॉर ऑफ द रात के बाद से ही लगता है एडा के सारे स्पीसीज एल्फ से नफरत करने लग गए थे। नाम पूछने पर ग्लाडियल ने क्वीन को फुल ऑन खलीसी स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर फिर से हम एल्फ और ह्यूमन के ईगो क्लैश को फील कर सकते हैं। ग्लाडियल को भी यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चाहती है कि क्वीन इन दोनों को मिडिल अर्थ जाने के लिए एक शिप दे दे। फिर फेरोसोन ने ग्लाडियल को बताया कि न्यूमेनोरियंस ने बहुत पहले ही एल्फ से ऑर्डर लेना और उनकी मदद करना बंद कर दिया था, तो अचानक से ये फिर इनकी सेवा क्यों शुरू कर दे? ग्लाडियल ने गुस्से में जवाब दिया कि एल्फ्स ने ह्यूमंस को ये आइलैंड गिफ्ट किया था, यानी वो जब चाहे तब यहाँ आकर मदद मांग सकते हैं। ये सुनते ही क्वीन की फुल सटक गई। न्यूमेनोरियंस को ये आइलैंड एल्फ से भीख में नहीं मिला था, इनके एंसेस्टर्स ने न्यूमेनोर की कीमत अपने खून से चुकाई थी एल्व्स की लड़ाई में जान गवाकर। धीरे धीरे क्वीन और ग्लाडियल की तू-तू मैं-मैं फुल ऑन झगड़े में बदल गई। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्लाडियल तो यहां से शिप लेकर जाकर ही रहेगी, देखते उसे कौन रोकता है। मामला बिगड़ने से पहले हालब्रांड ने क्वीन को तीसरा ऑप्शन दिया। 3 दिनों तक हालब्रांड और ग्लाडियल न्यूमेनोर के गेस्ट बनकर रहेंगे, तब तक क्वीन और फेरोजोन शांति से इनकी रिक्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। फेरोजोन को यह आइडिया काफी अच्छा लगा। फेरोजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे चल के फेरोजोन न्यूमेनोर का राजा बनेगा। फेरोजोन की एल्फ और वेलिनोर के साथ नफरत की वजह से ही पूरा का पूरा न्यूमेनोर आइलैंड डूब गया था। इसी नफरत की पहली झलक हम यहाँ देख सकते हैं। दरबार से बाहर जाने से पहले हालब्रांड ने एलेंडिल को गले लगा लिया, एक तरह से थैंक यू बोलने, बट एक्चुअल में हालब्रांड इधर ग्लाडियल का ब्लेड चुरा रहा था। फिर हालब्रांड ने चुपके से वो ब्लेड ग्लाडियल के हवाले कर दिया। वेल, चुपके से नहीं कह सकते, भाई ने खुलेआम सारी दरबारियों के बीच सीढ़ी पर ब्लेड ग्लाडियल के हवाले कर दिया। हालब्रांड इसी आइलैंड पर बसकर नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहा था। उसे वापस मिडल अर्थ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों के जाने के बाद क्वीन और उसका कजिन फेरोजोन एल्फ की सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। कहीं एक एल्फ के अचानक से न्यूमेनोर पे आ जाना आने वाले तूफान की चेतावनी तो नहीं? यहीं पर फेरोजोन ने क्वीन को बताया कि जो इस एल्फ को न्यूमेनोर लाया है, यानी एलेंडिल, वो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अब सी कैप्टन बनकर सारी जिंदगी समंदर में बिताता है। एलेंडिल अपने बेटे इसिल्डर को भी इसी काम के लिए ट्रेन कर रहा था,
फिर हमारी मुलाकात हुई जवान इसल्डर से। यस, वही इसल्डर जिसने आगे चल के सौरॉन के हाथ से वन रिंग को काट के निकाला था। ट्रेनिंग करते हुए इसल्डर को किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो एटलीस्ट मुझे तो सुनने में गलाडियल की तरह लगी। ट्रेनिंग पूरी करके किनारे पर वापस आते ही इसल्डर उसकी बहन आयरियन से मिला। ये कैरेक्टर भी बुक्स में नहीं है। क्वीन मिरियल ने एलेंडिल को पूछताछ करने के लिए बुलवा लिया। रानी साहिबा को एलेंडिल के नाम से थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि एल्डर भाषा में एलेंडिल का मतलब एल्फ फ्रेंड होता है। इसे शक है कि कहीं एलेंडिल एल्फ के साथ मिलकर न्यूमिनोर के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा। न्यूमिनोर में रहने वाले ह्यूमन सीक्रेटली दो हिस्सों में बटे थे, एक जो एल्फ के खिलाफ थे और दूसरे जो एल्फ के साथ थे। एल्फ के साथियों को द फेथफुल या एलेंडिली भी कहा जाता है। इस बंदे का तो नाम ही एलेंडिल था। लेकिन एलेंडिल ने क्वीन से वादा किया कि उसकी वफादारी पूरी तरह से न्यूमिनोर के साथ है। क्वीन ने एलेंडिल को अपनी वफादारी साबित करने ये तलवार थमाकर गलाडियल पर नजर रखने का काम सौंप दिया। दूसरी तरफ एल्फ साथ मिलकर और उसकी कैद से भागने का प्लान बना रहे थे। सबके जिंदा बचकर भागने की कोई जरूरत नहीं, इनमें से अगर एक भी सही सलामत यहां से बाहर निकलकर मैसेज पहुंचा दे तो इनका काम हो जाएगा। फिर हमें पता चला कि ऑर्क्स यहाँ के टाउन्स में किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट या वेपन को ढूंढ रहे थे, शायद वही ब्लेड जो थियो के पास है। रेमिन ने इन्हें बताया कि ऑर्क्स के करंट लीडर का नाम एजार है। एरंडर यह सुनकर काफी कंफ्यूज था कि ऑर्क्स भला किसी एल्डर नाम वाले बंदे को अपना लीडर क्यों बनाएंगे। इन्हें लगता है कि एजार शायद सौरॉन का एक और निकनेम होगा। सौरॉन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने शायद उसने जानबूझकर एजार का नाम अपना लिया। एल्स को एक जगह खड़ा होकर बात करता देख एक ऑर्क ने उन्हें रोक लिया। टॉपिक चेंज करने रिवियन ने ऑर्क्स को बताया कि वो टनल्स बनाने किसी पेड़ को नहीं काटने वाले। रिवियन के इस रिबल बर्ताव से खुश होकर ऑर्क ने सबको पानी ऑफर किया, जो कि ऑब्वियसली इसकी चाल थी। सबको पानी से डिस्ट्रैक्ट करके उस ऑर्क ने इनके एक साथी को मार दिया। फिर सबकी सलामती के लिए एरंडर पेड़ काटने के लिए तैयार हो गया। उधर न्यूमिनोर में गलाडियल गार्ड्स को चकमा देकर शिप चुराने किनारे पर चली गई, लेकिन एलेंडिल ने उसे ढूंढ लिया। एलेंडिल ने गलाडियल को हिंट्स दिए कि न्यूमिनोर पर सारे ही एल्फ से नफरत नहीं करते। हॉल ऑफ लोर में तो अभी तक एल्डर भाषा सिखाई जाती है। फिर गलाडियल के कहने पर एलेंडिल उसे हॉल ऑफ लोर ले गया। दीदी घोड़े पर बैठकर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। हालब्रांड जॉब की तलाश में आयन स्मिथ से मिलने चला गया, लेकिन इधर सिर्फ स्किल से काम नहीं चलने वाला। न्यूमिनोर पर जॉब चाहिए तो हालब्रांड को पहले ऐसा क्रेस्ट या बैज हासिल करना होगा। फिर हालब्रांड ने कुछ लोकल वर्कर्स को फ्री की दारू पिलाकर उनमें से एक का क्रेस्ट चुरा लिया, लेकिन हालब्रांड की चोरी पकड़ी गई और वो वर्कर्स हालब्रांड को कूटने एक गली में ले गए। हालब्रांड ने सबको समझाया कि अच्छा होगा कि वो इस मामले को बातचीत से सॉल्व करें, लेकिन नहीं, उन वर्कर्स को तो कुटाई करनी थी। दो पंच खाते ही मानो हालब्रांड के अंदर का शैतान बाहर आ गया। वो एक एक करके सारे वर्कर्स को बुरी तरह से मारने लगा। फिर एक बंदे ने समय रहते गार्ड्स को बुलाकर हालब्रांड को अरेस्ट करवा दिया। हॉल ऑफ लोर पहुंचते ही गलाडियल ने वहां के ह्यूमन सर्च इंजन को सौरॉन का सिजिल दिखाया। इस जगह को एलरॉन के भाई एलरॉस ने बनाया था। एलरॉस भी एलरॉन की तरह ही हाफ एल्वन था, लेकिन उसने एल्फ की मोर्टालिटी की बजाय ह्यूमंस की मोर्टल लाइफ चूज की। एल्फ से अलग होने के बाद एलरॉस न्यूमेनोर का पहला राजा बना। एलेंडिन ने गलाडियल को बताया कि न्यूमेनोर के पिछले राजा किंग चार्ल प्लांटियर के एल्फ के साथ दोस्ती को लेकर ही यहाँ की अवाम ने उसे तख्त से उतार दिया था। चार प्लांटियर फिलहाल अपने ही टावर में कैदी की जिंदगी जी रहा है। जल्दी वह ह्यूमन सर्च इंजन सिजिल से मैच करने वाले कुछ रिकॉर्ड्स लेकर आया। इस पुराने डॉक्यूमेंट्स में मॉर्गोथ का बैकअप प्लान लिखा था, जस्ट इन केस अगर मॉर्गोथ लड़ाई में हार जाता है तो उसका सक्सेसर इस निशाने को फॉलो करते हुए ऑर्क्स के साथ अपना सीक्रेट किंगडम बनाएगा। यानी सौरॉन का छोड़ा वो निशान कोई सिजिल नहीं बल्कि साउथलैंड्स का मैप है। यही जगह आगे चल के मॉर्डोर कहलाएगी। फिर हमने देखा कि हारफोर्स माइग्रेशन की तैयारी में लगे थे। इस जंगल को छोड़कर दूसरे कैंप में जाने से पहले नोरी को स्ट्रेंजर की मदद करनी थी। नोरी ने जबरदस्ती पॉपी के साथ मिलकर सैडॉक की बुक से कुछ पेजेस चुरा लिए। उन पेजेस पर बना स्टार कॉन्स्टेलेशन स्ट्रेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। स्ट्रेंजर की मदद करने से पहले नोरी सैडॉक की फाइनल स्पीच सुनने चली गई, जहां ये लोग अपने बिछड़े साथियों को याद कर रहे थे। कुछ लोग एक्सीडेंट में जान गंवाने की वजह से माइग्रेशन का हिस्सा नहीं बने, तो कुछ लोग समय रहते कैंप में वापस नहीं आ पाए। पॉपी की फैमिली भी ऐसे ही किसी एक्सीडेंट की वजह से मारी गई थी।
इसी दौरान वो स्ट्रेंजर खाने की तलाश में हार्टफुड के कैंप में घुस आया, लेकिन वहां रखे पेपर्स को देखकर स्ट्रेंजर का ध्यान भटक गया। पेपर पर बना स्टार कॉन्स्टेलेशन देखने स्ट्रेंजर आग के पास चला गया, इतना पास के पेपर ने आग पकड़ ली। फिर पैनिक मोड में आकर स्ट्रेंजर सीधा हार्टफुड के कैंप में ही गिर गया। ये देखकर सारे हार्टफुड फौरन छुप गए। फिर वो स्ट्रेंजर नोरी का नाम पुकारने लगा। नोरी किसी तरह स्ट्रेंजर को कैंप से दूर ले जाकर सबकी गाली खाने वापस चली आई। वैसे तो इनका काफी स्ट्रिक्ट रूल है कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने ग्रुप में लाने की सजा सीधा एग्जाइल है, यानी नोरी को कैंप से बाहर निकाला जाएगा। बट क्योंकि नोरी छोटी है, सैडॉक ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पूरी तरह से माफ नहीं। सजा के तौर पर नोरी की फैमिली माइग्रेशन के वक्त सबसे पीछे बग्गी चलाएगी। ऑलरेडी नोरी के पापा पैर के मोच से परेशान थे और अब नोरी की इस हरकत की वजह से उनका माइग्रेशन में पीछे छूट जाना तो तय है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सारे हार्टफुड्स बिना किसी की चिंता किए फटाफट एक जगह से दूसरी जगह की ओर भागने लगे। नोरी की फैमिली धीरे धीरे अपनी बग्गी ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पॉपी भी उनके साथ थी, बट इसे अपने घर को भी तो संभालना था। तभी नोरी के बग्गी से वो स्ट्रेंजर बाहर निकला और दोस्ती खाते में इन्हें मदद ऑफर की। थोड़ा हिचकिचाने के बाद ब्रैंडीफुट फैमिली ने आखिरकार स्ट्रेंजर की मदद कबूल कर ली। उधर निमनोर में एलेंडिल अपने बच्चों के साथ बैठा डिनर कर रहा था। इसल्डर को ट्रेनिंग से ब्रेक चाहिए था ताकि वो थोड़े पर्सनल एडवेंचर पर जाकर अगले साल ट्रेनिंग को फिर से ज्वाइन कर ले। इसल्डर का भाई एनारियन भी शायद ऐसे ही मनमानी करके फैमिली से अलग हो गया था। एनारियन का नाम सुनते ही एलेंडिल का गुस्सा और बढ़ने लगा। एलेंडिल नहीं चाहता कि उसके बेटे पास्ट को लेकर अपनी जिंदगी खराब करे। इन्हें अब अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। एलेंडिल ने इसल्डर को फुल एंड फाइनल वार्निंग दी कि वो कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। एलेंडिल, इसल्डर और अनारियन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो इन कैरेक्टर्स पर थोड़ा ध्यान रखना। एनारियन को भी बिल्डर्स गिल्ड में एडमिशन मिल गया। इसल्डर के समझाने के बाद ही इसने फिर से अप्लाई किया था, लेकिन इसल्डर ये खुशखबरी सुनने से पहले ही गुस्से में उठकर कहीं चला गया था। गैलाडियल हालब्रांड से मिलने जेल चली गई। हॉल ऑफ लोन में इसने हालब्रांड के सिजिल को भी सर्च कर लिया था। ये सिंबल हालब्रांड के पूर्वजों का है, वो ह्यूमंस जिन्होंने मॉर्गोथ का साथ देने सबको इकट्ठा किया था। गैलाडियल को लगता है कि ये दोनों साथ मिलकर एंसेस्टर की गलतियों को सुधार सकते हैं, यानी सावरन को हराकर। रात होते ही म्यूरियल सीक्रेटली अपने पापा चारपालंटियर से मिलने चली गई। इन्हें जिसका डर था वो घड़ी आ गई। एक एल्फ ने फाइनली न्यूमिनोर की जमीन पर कदम रख दिया। साउथलैंड्स में एल्फ भागने के प्लान को आगे बढ़ाने लगे। एरोंडर की मदद से इन्होंने ऑर्क्स को साइडलाइन कर दिया, बट तभी ऑर्क्स ने उनके पीछे वॉक को लगा दिया। फिर से एक बार जांबाज एरोंडर ने अपनी ताकत और स्किल्स दिखाकर वॉक को मार दिया। देख के लग रहा था कि रिवियन भागने में कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ऊपर जाते ही वो भी तीर का शिकार बन गया। एरोंडर को मारने के बजाय ऑक्स उसे अपने लीडर यानी एडार से मिलवाने ले गए, जिसकी ब्लरी ब्लरी सी शक्ल दिखने में किसी एल्फ की तरह लग रही थी। ये सौरन तो कतई नहीं है। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। इधर मिरियल शायद किसी प्रोफेसी की बात कर रही थी। मे बी न्यूनोर के अंत की शुरुआत एक एल्फ या गैलाडियल के आइलैंड पर आने के बाद ही शुरू हुई, यानी मिरियल और चारपालंटियर साथ मिले हुए हैं। ये एल्फ फ्रेंड बताकर राजा को होम प्रिजन में डालना और उसके बाद उसकी बेटी को रानी बनाना शायद इनकी प्लानिंग थी, ताकि वो सर फिरे फेरेजॉन को न्यूमिनोर का राजा बनने से रोक पाए। हालब्रांड को लेकर दो पॉपुलर थियरीज ये हैं कि या तो ये सौरन है या फिर उसका खासम खास आदमी द विच किंग। विच किंग नाजगुल यानी रिंगरेज का लीडर था। क्या पता, शायद ये शो हालब्रांड की कहानी को विच किंग की ओरिजिन स्टोरी बना दे। और जहां तक रही बात स्ट्रेंजर की, स्टिल नो आइडिया। या तो ये कोई विजिट है या फिर शो के लिए बनाया कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर या स्पीसीज। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।